तो गुड इवनिंग अगेन। देखिए आज का जो टॉपिक है डाटा साइंस इज मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम इसमें क्या सीखने वाले हैं, देखिए आज हम क्या सीखेंगे ना, डाटा साइंस क्या होता है, मशीन लर्निंग क्या होता है, ये डीप लर्निंग क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बेसिक आइडिया दूंगा। और हमारा जो मेजर पॉइंट क्या है, हम ज्यादा इंपोर्टेंस देंगे प्रैक्टिकल के ऊपर। मैं आपको एक केस स्टडी करके दिखाऊंगा कि डाटा साइंस का जो केस स्टडी एक प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है, ठीक है? तो आपके आगे डेमोन्स्ट्रेट करूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये थिंग्स विल डिस्कस टुडे, डाटा साइंस क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड डीप लर्निंग, लाइफ साइकिल ऑफ मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स, एक मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट में क्या क्या स्टेप फॉलो होता है, और फाइनली हमें सैंपल प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे। यस गुड इवनिंग रजिता। देखिए डाटा साइंस अगर सिंपली लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो साइंस ऑफ डाटा मीन्स, देखिए आजकल जो डाटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी तरह का बिजनेस हो, इन एवरी बिजनेस डाटा प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। ओके, तो आजकल जो जिस तरह का लाइक कोई कंपनी है तो कंपनी का बॉस को चाहिए कि उसका जो भी डाटा है क्लाइंट्स का या कस्टमर का, उसको चाहिए कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में उनके सामने प्रेजेंट हो ताकि वो डिसीजन ले सके। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मेरा एक कंपनी है, मैं एक प्रोडक्ट बना के बेचता हूँ, लेट्स से लाइक एक नारियल का जो तेल है वो मेरा प्रोडक्ट है, नारियल का तेल का प्रोडक्ट है। तो मैं नारियल का तेल का प्रोडक्ट को बेचाता हूँ, तेल बढ़े प्रॉफिट ज्यादा हो तो वो कैसे होगा ना, वो कैसे होता है ना, मैं क्या करूंगा, हो सकता है मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट दू, कैसे हो सकता है, यूट्यूब यूट्यूब में दू, टेलीविजन में दू, पेपर में दू, प्रिंट मीडिया में, तो डिफरेंट वेज आर देयर, रेडियो एफएम में दू, तो मुझे जानना है कि कौन से मीडिया में कितना खर्चा करना चाहिए। मैं कंपनी का मालिक हूँ, मुझे जानना है कि कौन सा मीडिया में कितना खर्चा करना चाहिए ताकि मेरा जो सेल होगा और प्रॉफिट होगा वो हाईएस्ट प्रॉफिट होगा, ठीक है? जैसे प्रिंट मीडिया में ज्यादा लोग नहीं देखते हैं, तो प्रिंट मीडिया में मैक्सिमम पैसा खर्चा करूंगा, तो आई एम नॉट गेटिंग द ऑप्टिमाइज्ड आउटपुट, ठीक है? ये भी एक प्रेडिक्शन है, तो किसी भी तरह का प्रेडिक्शन, एक स्टॉर मार रहा है, वो स्टॉर का पाथ क्या होगा, किस वे में जाएगा, कैसे प्रेडिक्ट करेंगे, वेदर फोरकास्टिंग कैसे करेंगे, रेनफॉल एस्टिमेशन कैसे करेंगे, इस साल बारिश कितना होगा, हर तरह का काम के लिए हमें डाटा चाहिए। अगर आपको प्रेडिक्ट करना है कि रेन कितना होगा इस साल, तो आपको लास्ट 50 साल का डाटा चाहिए, ठीक है? तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग डाटा से ही प्रेडिक्ट करेंगे। एक भुवनेश्वर में सितंबर को कोरोना का सिचुएशन क्या होगा, ये भी तरह प्रेडिक्शन है, ठीक है? तो इस चीज के लिए हमें डाटा चाहिए। एक आदमी को डायबिटीज होगा कि नहीं होगा, कैंसर होगा कि नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, मेडिकल डाटा चाहिए बहुत लोगों का। तो ये जो डाटा होता है, जैसे कि आप लोग देखते हो, यूट्यूब देखते हो, यूट्यूब में जो वीडियोस आता है, मैं जो वीडियो देखूंगा आपको वो नहीं दिखेगा, कि मुझे जो एडवर्टाइज आता है आपको तो वो नहीं आएगा। तो वो यूट्यूब कैसे करता है, इतना डाटा कलेक्ट करता है, उसको यूज करता है, ठीक है? फिर वो उस डाटा से जानता है कि मैं किस तरह का, मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह का है, मैं किस तरह का चीज पसंद करता हूँ, तो उसी हिसाब से वो मुझे एडवर्टाइज देता है, उसी हिसाब से वो मुझे क्या करता है ना, वीडियोस रेकमेंड करता है, फिर नेटफ्लिक्स ऑल्सो, फेसबुक भी करता है। तो एक डाटा साइंटिस्ट का एक कंपनी में काम क्या है, देखिए सिंपल सा काम क्या है डाटा साइंटिस्ट का, जो रॉ डाटा होता है उसको यूजफुल डाटा में कन्वर्ट करने का जो तरीका है वो होता है डाटा साइंस, सिंपल अगर वो डाटा साइंस से काम है, और यूजफुल डाटा से कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालना है, जो कि मैं आज हम करके दिखाएंगे प्रैक्टिकली, ताकि आपके माइंड में आ सके हाँ ठीक है एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, ठीक है? तो ये डाटा साइंस काम है, डाटा बहुत सारा है, बहुत वॉल्यूम में डाटा है, मैं कुछ सैंपल एग्जाम्पल दूंगा तो आप समझ पाओगे, मैं कुछ डाटा दिखा रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली नहीं दिखने से आप जान नहीं पाओगे।
देखो तो ई ड्राइव एमएल डाटा सेट में एक डाटा सेट दिखा रहा हूँ, ये एक डाटा सेट है, मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। इस डाटा सेट का नाम है फ्रेमिंगहम हार्ट डिजीज डाटा सेट। ये एक आदमी को हार्ट डिजीज होगा कि नहीं होगा उसका डाटा है। उसमें क्या क्या पैरामीटर है, मेल, एज, एजुकेशन, स्मोकर, स्मोकिंग करता है कि नहीं करता है, कितना सिगरेट लेता है, ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहा है कि नहीं ले रहा है, उसको पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ था क्या, हाइपरटेंशन है क्या, डायबिटीज है क्या, कोलेस्ट्रॉल कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है, बॉडी मास इंडेक्स कितना है, हार्ट रेट कितना है, ग्लूकोज कितना है, देन ये जो है वन मतलब उस आदमी को हार्ट डिजीज हुआ था, जीरो मतलब नहीं हुआ था। तो हमारा एक काम है कि हम प्रेडिक्ट करेंगे। तो मतलब इस जो डाटा है अराउंड हमारे पास 4000 डाटा है लोगों का और ओरिजिनल डाटा है। तो इस डाटा को यूज करके हमें ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाना है, एक मॉडल बनाना है। एक नया आदमी आया है उसका हमसे पूछेगा, बताओ तुम्हारा एज कितना है, जेंडर क्या है, तुम स्मोकिंग करते हो तो नहीं करते हो, तो करते हो तो कितना सिगरेट डेली लेते हो, आपको पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ था क्या, आप ब्लड प्रेशर मेडिसिन ले रहे हो क्या, ये सब पूछने के बाद देन क्या होगा ना, हमारा मॉडल जो है वो बताएगा कि आपको आगे जाकर हार्ट डिजीज हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्योंकि आजकल का लोगों का लाइफस्टाइल तो बहुत, आप लोग जानते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे आप किसी को हार्ट अटैक होगा इमिडिएटली प्रेडिक्ट करो, नहीं, चांसेस क्या है, हो सकता है क्या आगे जाकर, तो मैं मेरा लाइफस्टाइल चेंज करूँ। लेकिन इस डाटा में देखो बहुत सारा मिसिंग वैल्यू है, ये डाटा अवेलेबल नहीं है, बहुत सारे लोगों का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो इस डाटा को हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, यहाँ पर जो एनए लिखा है नॉट अवेलेबल, मतलब हमारे पास वो लोग नहीं गया है डाटा, ठीक है। तो हम जब मॉडल बनाएंगे उसको सिखाएंगे तो इस डाटा से सिखाएंगे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि डाटा अवेलेबल, कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है। हो सकता है किसी का एज, एज कॉलम है, हो सकता है एक आदमी का एज हो गया है 400 साल, ये भी गलत है। तो इस डाटा को यूजफुल कैसे करेंगे, क्लीन कैसे करेंगे, ये डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। हमेशा डाटा इतना क्लीन नहीं होता है, बहुत सारा इम्प्यूरिट होता है। जैसे बोला कि अवेलेबल, कुछ डाटा अवेलेबल नहीं है, कुछ डाटा का वैल्यू जो है इधर बहुत बड़ा है, मतलब रेंज से बाहर है, तो उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये सब डाटा साइंटिस्ट का काम होता है। ओके, और तो इसी डाटा को हम यूज कर सकते हैं। देन ये एक तरह का डाटा था, मैं और एक डाटा दिखा रहा हूँ, देखो जैसे जीमेल प्रेडिक्ट करता है, जीमेल कि ये एक स्पैम होगा कि नहीं होगा, एक मैसेज ये उसका डाटा है, मतलब स्पैम नहीं था और स्पैम मतलब स्पैम था। तो ये जीमेल तो स्पैम जब आता है तो स्पैम बॉक्स में डालता है, तो उसको कैसे पता होता है। तो हम क्या करेंगे, एक मॉडल बनाएंगे, एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम क्या करेंगे उसको सिखाएंगे, ट्रेन कर देंगे, सिखा देंगे कि देखो ये स्पैम है, हम कैसे सिखाएंगे। मैं एक रोबोट से पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, एक मशीन को पूछा मैंने, मैं एक मशीन को पूछूंगा तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कैसे आंसर देगा, वो इंसान है क्या। मैं अभी आपको तेलुगु में पूछूंगा, तेलुगु में, तमिल में, तमिल में बोलते ओम पर अन्ना, मतलब आपका नाम क्या है, तब आप समझ पाओगे क्या, आपको तमिल तो पता नहीं है। तो रोबोट को पूछेगा तो वो कैसे बताएगा, मतलब उस लोगों को सिखाया गया है दिमाग में, अगर आप तमिल सीख जाओगे तो बता सकते हो आंसर, तो रोबोट को कैसे सिखाएंगे, समझ रहे हो, तमिल लैंग्वेज कुछ लिटरेचर होगा तो सिखाएंगे कैसे, वो तो एक मशीन है, वो सिखाने का तरीका जो होता है वो होता है मशीन लर्निंग। कहाँ से सिखाएंगे, डाटा से, वो अल्फाबेट सिखाएंगे, वर्ड सिखाएंगे, सेंटेंस सिखाएंगे, किस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, तो क्वेश्चन किस क्वेश्चन का किस तरह आंसर देना है सब सिखाएंगे। जितना आसान से बोल दिया उतना आसान है नहीं, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है कि एक एसएमएस काम होगा कि नहीं होगा, इसे सिखाया जाता है, ठीक है, कि एक मैसेज जो है वो स्पैम होगा कि नहीं होगा, मैसेज को सिखाएंगे कैसे सिखाएंगे, वो होता है मैसेज लर्निंग। लेकिन ये जो डाटा है ये सब देख रहे हो कहाँ पर डॉट डॉट है, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, कहाँ पर, समझ रहे हो, हमेशा मतलब सही तरीके से डाटा नहीं है, डाटा को भी क्लीन करना पड़ता है। और डाटा टेक्स्ट है, टेक्स्ट डाटा को मैसेज सीख नहीं सकता, इसको निमोरी करना पड़ता है, इसको कैसे निमोरी करना है,
ये सारा काम डाटा यूज कर। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा सेट है। तो आज हम जो काम करेंगे, जिस डाटा सेट के ऊपर काम करेंगे, ये हमारा डाटा है। आज का जो काम रहेगा, जो मैं केस स्टडी आप लोगों को दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, ये टॉपिक है एक, हमें करना क्या है ना, हमारा काम क्या है ना, हमारा काम ये है, हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका नाम है टिप्स प्रेडिक्शन। जो आप लोग रेस्टोरेंट जाते हो, एक वेटर को टिप कितना देते हम प्रेडिक्ट करें कि ये आदमी आया है तो कितना टिप देगा, ऑर्डर भी पता चल जाएगा, ऑर्डर भी स्मार्ट हो जाएगा, तो वेटर भी स्मार्ट हो जाएगा, तो वेटर बताएगा अच्छा ठीक है इतना मिलेगा टिप, ठीक अच्छा सर्व करते हैं इसको, सारा चीज देते हैं, नहीं तो ये कैसे प्रेडिक्शन होगा। टिपिंग वेटर फॉर सर्विंग, टिपिंग वेटर फॉर सर्विंग फूड डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर्स लाइक रेस्टोरेंट, हाउ मेनी पीपल विथ, है लेना पार्टिकुलर, देखो हाउ मेनी पीपल विथ, हाउ मच अमाउंट यू पे योर बिल, मतलब आपने कितना बिल दिया है, ठीक है आप कितने जन आए हो, इसे पैरामीटर डिपेंड करता है, ठीक है। नंबर जब ज्यादा लोग आते हैं तो वो टिप देते हैं, कोई अपने गर्लफ्रेंड के साथ आया तो वो दिखाने के लिए टिप ज्यादा दे रहा है, ऐसा होता है ना। तो टिप एनालिसिस इज ए इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट फॉर ए वेटर फॉर ए रेस्टोरेंट, ठीक है। तो उसका जो डाटा है ये वाला है, हम इस पर्टिकुलर डाटा से हमने कलेक्ट किया है कि एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि टोटल बिल कितना है $16.99, टिप कितना दिया गया है $1.01, मतलब टैक्स क्या है ना, फीमेल है, फीमेल लोग आए थे स्मोकिंग किए थे नहीं किए थे, कौन से दिन में आए थे संडे आए थे, कौन से टाइम में आए थे डिनर करने के लिए आए थे, कितने जन आए थे दो जन आए थे, और उन लोगों ने टिप कितना दिया है, टोटल बिल इतना था और टिप इतना था। तो ऐसे बहुत सारे लोगों का डाटा है, हम बोले कि अच्छा मेल ज्यादा टिप देते हैं कि फीमेल ज्यादा देते हैं, जो स्मोकिंग करता है वो ज्यादा टिप देता है कि जो स्मोकिंग नहीं करता है ज्यादा टिप देता है, समझ रहे हो। ज्यादा अगर ज्यादा साइज में आता है ज्यादा टिप मिलता है, कम मिलता है, तो बहुत सारा एस्पेक्ट है। मतलब हम बोलेंगे कि एक नया कस्टमर आया है दुकान को होटल को, तो हम उसे पूछ वो टोटल बिल कितना दे रहा है, उसका सेक्स क्या है, स्मोकर है कि नहीं है, ये कौन से दिन आया था, कौन से टाइम में आया था, डिनर में या लॉन्च में, और कितने जाना है, तो उसी के हिसाब से हम प्रेडिक्ट कर लेंगे कि भाई ये इतना टिप देने वाला, ठीक है। तो इससे हमारे पास हमारा मोर देन 200 डाटा है, ठीक है। लेकिन इस डाटा में बहुत सारा कुछ कॉलम न्यूमेरिक है, कुछ कॉलम क्या है टेक्स्ट भी है, स्ट्रिंग भी है। तो इसको कैसे करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको एक आइडिया आ जाए, ठीक है। तो थोड़ा और आते हैं कहाँ पर, हमारा जो थोड़ा थ्योरी था, हाँ उसमें एक चीज है, एक सेकेंड, जो एक डाटा साइंटिस्ट का ये भी काम है कि डाटा को वो ग्राफिकली क्या करता है ना, प्रेजेंट करता है। देखो ये जो ग्राफिकली देख रहे हो, जैसे कि क्वेश्चन था कि कौन सा दिन कितना बार है, मतलब संडे ज्यादा है कि सैटरडे ज्यादा है, हमारे पास जो डाटा है कितना दिन का डाटा ज्यादा सबसे है, सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा हो जो डाटा है वो सैटरडे का, ठीक है। तो ये सब हमें जानना चाहिए, अच्छा डिनर के टाइम कितने लोग आए थे, डिनर ज्यादा टाइम है कि लंच ज्यादा टाइम है, हमारे पास जो डाटा है वो कौन से टाइम का, 72% हमारे पास जो क्या है ना डिनर का डाटा है, लंच का डाटा इतना है, हाँ मेल कितना है फीमेल कितना है, हमारे पास जो रेस्टोरेंट में जो लोग आए थे मेल कितना बार आए थे फीमेल कितना आए थे, तो ये सब डाटा मायने रखता है, ये एनालिसिस होता है ग्राफिकल एनालिसिस। बुकर कितना थे, इधर लोग आए थे कितने लोग स्मोकिंग किए थे, कितने लोग नहीं किए थे, तो इससे पता चलता है कि 60% लोग स्मोकिंग नहीं किए थे, 38% लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ये जो डाटा से है, ये जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, ये भी डाटा साइंटिस्ट से काम है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे वो आंसर बताएगा, और मतलब डाटा साइंटिस्ट से कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन निकालना, ये भी डाटा साइंटिस्ट से काम है, जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा। मुझे टेबल डालना है, क्या डालना है टेबल, टेबल मतलब कि मैं आज संडे है डिनर का टाइम है, मैं जो टेबल अरेंजमेंट करूंगा किसे करूंगा, दो दो जन का ज्यादा रखूंगा या तीन तीन जन का रखूंगा या पांच जन का रखूंगा या छह का रखूंगा, कैसे रखूंगा वो डिसीजन में कैसे लूंगा, पांच डाटा से
मुझे पता चला अच्छा संडे को डिनर के टाइम में ज्यादातर लोग 4 जन लोग के आते हैं मैक्सिमम लोग, तो मैं क्या करूंगा, मैक्सिमम टेबल जो अरेंजमेंट होगा 4 4 करके डाल दूंगा, समझ रहे हो, ताकि मुझे मुझे हेल्प करे। तो ये जो एक डाटा साइंटिस्ट का काम क्या होता है, मैं पहला चीज है कि जो रॉ डाटा होता है उसमें बहुत इंप्रूव होता है उसको क्लीन करना, सेकेंड क्या है, सेकेंड ये है कि उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल के ग्राफिकली प्रेजेंट करके दिखाना ताकि हम डिसीजन ले सकें, ठीक है। देन ये डाटा साइंस का काम है। देन क्या आएगा, देन आएगा आपका प्रेडिक्शन का काम। प्रेडिक्शन कौन करेगा, तो प्रेडिक्शन कैसे होगा, तो प्रेडिक्शन करने के लिए हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन कहाँ सीखेगा डाटा साइंस, आप लोग कहाँ सीखते हो, आप लोग जो सेमिस्टर एग्जाम देते हो कहाँ से सीखते हो, बुक से, नोट से, पढ़ाई होता है, नहीं, एक सेकेंड, पढ़ाई होता है, सीखते हो, देन एग्जाम देते हो। अगर आपने गलत सीखा होगा तो, अगर बुक में एक जगह लिखा है कि लेट्स से लाइक नवीन पटनायक इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, क्वेश्चन आया हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, तो आप लिखोगे नवीन पटनायक, दिल गॉट 0 मार्क्स, क्यों, आपका बुक में पेंटिंग मिस्टेक था, तो आपने पढ़ लिया कोई आंसर दे दिया जो कि सही नहीं था, सही करना था ना उसको, तो आप अगर आप गलत सीखोगे तो गलत क्रेडिट करोगे, ठीक है। जैसे जो ट्रैफिक लाइट पे कैमरा लगा है, एक आदमी क्या क्या है ना, अपने सर में वो गामछा उड़ा दिया है, तो ट्रैफिक जो कैमरा ब्रिडेड कर सोचा कि हाँ ये हेलमेट है, तो बच गया वो, ठीक है, समझ रहे हो, और इट्स अ रॉन्ग प्रेडिक्शन। ये जो प्रेडिक्शन होता है वो ट्रैफिक लाइट जो ट्रैफिक कैमरा वो कैसे प्रेडिक्ट करता है, उसको भी सिखाया गया है कि बहुत सारा पिक्चर से सिखाया गया है कि हेलमेट पहना है ये नहीं है, ये है ये नहीं है, तो उसको सिखाते कहते हैं। तो आजकल का जो जो एरिया है, ये एरिया है क्या, मैं जो हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो होता है जो नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं होता है, एक रोबोट एक कैमरा वो आर्टिफिशियल नेचुरली इंटेलिजेंट नहीं होता है, उसको इंटेलिजेंट बनाया जाता है, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा, सिखाने का तरीका होता है वो होता है मशीन लर्निंग। सिखाएंगे कहाँ से, डाटा से, वो होता है डाटा से, सही डाटा सिखाओगे या गलत डाटा, अगर सही डाटा सिखाओगे तो सही काम करेगा। आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे लोग होते हैं अपने शरीर में बम बम बांध के ब्लास्ट हो जाते हैं, करते ना, क्यों करते हैं, तुम गलत सिखाया गया है, तो उनको लगता है कि वो सही है, ठीक है। तो सही और गलत का जिस तरह का आप सिखाया जाएगा आप उस तरह करोगे, तो ये होता है क्या, तो मशीन लर्निंग, तो मशीन को सही डाटा सिखाना चाहिए। तो डाटा साइंस मशीन लर्निंग AI डिफरेंट नहीं है, रिलेटेड है सर। अगर आप एक सिस्टम को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो तो उसको सिखाना पड़ेगा, सिखाने के लिए डाटा चाहिए, ठीक है। बड़ा बड़ा कंपनी का होता है डाटा साइंटिस्ट इंजीनियर और मशीन लर्निंग इंजीनियर डिफरेंट होता है, बट स्मॉल कंपनीज यू हैव टू डू ऑल थिंग्स, ओके। तो ज्यादा हम थ्योरी में नहीं जाते हैं, देखिए ये जो मशीन लर्निंग है 3 तरह का होता है, सुपरवाइज्ड, और हमारा जो डाटा साइंस का कोर्स है इसमें सब है, डाटा साइंस भी है, मशीन लर्निंग भी है और डीप लर्निंग भी है, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज्ड में आपको सिखाया जाएगा, फिर आप एग्जाम दोगे मार्क निकलेगा, जितना अच्छा मार्क रखे हो तो अच्छा है। अनसुपरवाइज्ड में आपको सिखाया नहीं जाएगा, कोई सुपरवाइजर नहीं होगा। जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को क्या क्या है, बहुत सारा फ्रूट दिया गया है, तो उसने क्या क्या है, सारा फ्रूट को डिफरेंट डिफरेंट कलर के हिसाब से ग्रुप किया है, येलो कलर है, रेड है, फिर इसको मामा ने लाइक येलो कलर का फ्रूट दिया, तो क्या करेगा वो येलो कलर का फ्रूट को लेके येलो ग्रुप में ऐड करेगा, लेकिन उस बच्चा को अभी तक पता नहीं है कि वो कौन सा फ्रूट है, लेकिन वो ग्रुप कर रहा है, मतलब प्रेडिक्शन कर रहा है कि हाँ ये इस ग्रुप में होना चाहिए, तो वो अनसुपरवाइज है। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है अपना गलती से सीखना। आप एक दिन गाड़ी गाड़ी चलाते जा रहे हो, आगे एक कुत्ता आ गया एंड ही फॉल डाउन फ्रॉम द बाइक, तो
तो अगले बार जैसे एक साल के बाद फिर आप गाड़ी चला जा रहे हो, वही सिचुएशन है, तब क्या करो, गाड़ी स्लो कर दो, क्योंकि आपने सीखा है। तो ये होता है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम बहुत सारा एल्गोरिथम यूज करते हैं, लाइक सपोर्ट वेक्टर, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो मशीन लर्निंग के कोर्स में ये सब एल्गोरिथम सिखाया जाता है, इसका मैथमेटिकल फंडा क्या है, कैसे काम करता है, किस सिचुएशन में करना चाहिए। क्योंकि डाटा जो होता है वो तो हमेशा लाइक ये नहीं होता है ना, क्या डाटा जो होता है हमेशा मेमोरिक नहीं होता है, टेक्स्ट हो सकता है, इमेज हो सकता है, साउंड हो सकता है। मैं बोलूंगा वॉइस रिकॉग्निशन, एक आदमी बोल रहा है, अच्छा एक प्रोजेक्ट तुम्हारा है, वो डिटेक्ट करेगा कि जेम्स से एक लेडीज है, मैं आपको वॉइस दूंगा, सुना होगा आप, बोला ये लेडीज है, आप नहीं बताओगे, आपका मॉडल बताएगा, आप जो टूल बनाओगे, आप जो सॉफ्टवेयर बनाओगे वो बताएगा ये जेम्स है, ये मेल है, ये फीमेल है, पिक्चर देख के बताएगा 25 साल के बाद आप कैसे दिखोगे, ये भी एक प्रेडिक्शन है। तो ये जो था सुपरवाइज लर्निंग था, और सुपरवाइज लर्निंग दो तरह का होता है, एक क्लासिफिकेशन और रेगुलेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जहां पर आउटपुट कैटेगोरिकल होता है, मतलब कैटेगोरिकल मतलब मैं एक स्टूडेंट एग्जाम में पास करेगा कि नहीं करेगा, जहां पर आंसर हाँ या ना आ रहा है, स्पैम और नॉट स्पैम। रेगुलेशन का मतलब है कि एक स्टूडेंट कितना मार रखेगा, एक स्टूडेंट जो है वो कितना मार रखेगा, वो है रिग्रेशन, पास करेगा कि नहीं करेगा, वो क्लासिफिकेशन। तो डिफरेंट तरह का टॉपिक्स है, ठीक है, ये दो तरह का है, क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन। तो मैंने तो बताया ऑन सुपरवाइज के बारे में, और डीप लर्निंग क्या होता है, डीप लर्निंग देखिए मशीन लर्निंग का एक एडवांस वर्जन, तो हम भी हमारे कोर्स में ये भी है आजकल, ये बहुत ही पॉपुलर टेक्निक, मतलब जैसे हमारे पास एक ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन, हम इस तरह का एक ब्रेन एक मशीन में डाल देंगे। जब टेस्ला का नाम सुना है वो गाड़ी आता है, ड्राइवर नहीं होता है तो वो कैसे होगा, वो गाड़ी खुद इंटेलिजेंट है, उसको कैसे सिखाएंगे, मतलब उसके अंदर एक ब्रेन डाल देंगे, ह्यूमन ब्रेन, तो उसको बोलते हैं न्यूरल नेटवर्क। जैसे हमारा ब्रेन काम करता है ना, ये हमारा बायोलॉजिकल नेटवर्क होता है, न्यूरॉन होता है, एक्सॉन्स डेंड्राइट पढ़ा होगा, डेंड्राइट सिग्नल रिसीव किया, उसको प्रोसेसिंग किया, न्यूक्लियस प्रोसेसिंग किया, देन प्रोसेसिंग करने के बाद क्या हुआ, उसने नेक्स्ट न्यूरॉन को ट्रांसमिट किया। ये एक न्यूरॉन है, आपने देखा टाइगर, देखा टाइगर का आंख कान तबियत लिया, लेते इनपुट लिया, प्रोसेसिंग करके फिर दूसरा न्यूरॉन को दिया, ऐसे लाखों न्यूरॉन होता है। फिर जब हम ब्रेन के पास पहुंचता है तो हम बोलते हैं हाँ ये टाइगर है, ये बायोलॉजिकल, ये आर्टिफिशियल, हम इस तरह का न्यूरल नेटवर्क आर्टिफिशियली प्रोग्रामिंग करके बना देंगे, ये एक आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का स्ट्रक्चर है। तो आजकल आप जितना भी इमेज प्रोसेसिंग हो, जो भी हो, जिस तरह का भी एप्लीकेशन हो आप देख रहे हो, हर किसी तरह का एप्लीकेशन में हम इसी को यूज करते हैं। ओके Got it. तो ये न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं, ये सब होता है इनपुट लेने के लिए, ये टाइगर का आंख लिया, टाइगर का कान लिया, टाइगर दांत लिया, कलर लिया, समझ रहे हो, ये ट्रांसमिट करा यहाँ पर, ये कुछ प्रोसेसिंग किया, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन, ऐसे होता है कि फाइनली आउटपुट जाएगा, आपका ब्रेन कहेगा हाँ ये टाइगर है, समझ रहे हो। तो वैसे ही तरह हम एक मशीन को भी सिखा सकते, तो डीप लर्निंग कब यूज करना चाहिए ना, जब मशीन लर्निंग का मॉडल काम ना कर पाए, जब डाटा बहुत अमाउंट में है, तो डाटा हैवी अमाउंट में है, करोड़ों में है, उस टाइम में मशीन लर्निंग का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता, स्लो हो जाता है, तो उस टाइम में आप आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क यूज करते हैं। तो कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, वो सब सिखाए। तो एक मशीन लर्निंग का जो प्रोजेक्ट होता है और डाटा साइंस का, तो उसमें क्या क्या स्टेप्स है, पहला है ऑब्जेक्ट, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टीप प्रेडिक्शन यूजिंग टीप्स प्रेडिक्शन करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव। सेकेंड क्या है, डाटा कलेक्शन, डाटा हमने कलेक्ट कर लिया है, अगर आप रियल टाइम डाटा चाहते हो तो डिफरेंट डिफरेंट रेस्टोरेंट जाओ कलेक्ट करो, तो कुछ डाटा भी हमारे पास होता है क्या ना, मतलब
बहुत सारा रिसर्चर रिसर्च के लिए डोनेट करते हैं, तो ये जो वाला डाटा था हमने वहां से कलेक्ट किया है। ठीक है, प्रिपरेशन मतलब हो सकता है डाटा बहुत कुछ गलत इंफॉर्मेशन हो, कुछ गलत डाटा हो, कुछ मिसिंग हो, कुछ रेंज के बाहर हो, ठीक है, तो उस टाइम में हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लीन करें, डाटा को सही बनाना, फिल्टर करना, ठीक है, देन उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन निकालो। जैसे हम पूछ रहे थे कि संडे को कौन सा दिन में ज्यादा बिजनेस होता है बताओ, अगर मैं एक रेस्टोरेंट का ओनर हूँ मुझे मालूम होना चाहिए कौन सा दिन ज्यादा बिजनेस होता है, कैसे होता है, तो मैं एक कमांड लिखूंगा वो बता देगा हाँ इस दिन में ज्यादा बिजनेस होता है, मुझे ग्राफिकली आ गया है हाँ संडे को ज्यादा बिजनेस होता है, सैटरडे को डिनर टाइम में ज्यादा बिजनेस नहीं होता है, कौन सा दिन में लोग ज्यादा भेज खाते हैं, कौन सा दिन नॉन वेज, ये जानना चाहिए ना। देन ग्राफिकली एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस का मतलब होता है ग्राफिकली प्रेजेंट करना, ग्राफिकली, ठीक है, देन फिर आप मशीन लर्निंग का मॉडल बनाओगे, उसको क्या करोगे सिखाओगे, फिर वो सीख जाएगा, सीखने के बाद आप क्या करोगे ना उसको, वो अभी रेडी है क्या करेंगे, टेस्ट, उसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग के बाद देखते हैं कितना अच्छे से काम करता है, देन हम उसको क्लाइंट को दे देंगे इम्प्लीमेंटेशन के लिए, नहीं तो क्लाइंट हम क्या करेंगे नहीं इम्प्लीमेंटेशन के लिए दे देंगे, तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए कैसे देंगे, मैं एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ इम्प्लीमेंट के लिए, फाइनली क्लाइंट इसे कैसे यूज करेगा, आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया है क्लाइंट उसे कैसे यूज करेगा, मैं टूल दिखा रहा हूँ देखो तो क्लाइंट कैसे यूज करेगा उसको ओपन ओपन होने दो थोड़ा टाइप को, इसको क्लाइंट यूज करेगा, आप क्लाइंट के लिए बना सकते एक प्रोजेक्ट, इससे ये सब मशीन लर्निंग का मॉडल है, आप सोचो कि ये 6 स्टूडेंट्स है, इसे एल्गोरिथम से मतलब सबका काम है उसी डाटा से सिखाया गया है, फिर जब आप इनपुट दोगे यहाँ पर कहाँ पर, फिर आप जब इनपुट दोगे डिफरेंट डिफरेंट लाइक मेल है कि नहीं है, हाँ वो मेल है, मेल वन मतलब मेल है, सिगरेट कितना लेता है 2 लेता है हर डे, पहले से हार्ट स्ट्रोक हुआ था नहीं हुआ था, डायबिटीज है हाँ डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर कितना है, ब्लड प्रेशर है 140, हार्ट रेट कितना है 78, एज कितना है 50 साल है उसको, ब्लड प्रेशर मेडिसिन क्या पता नहीं, यहाँ ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेता है कि लेता है हाँ लेता है, हाइपरटेंशन है हाँ है, कोलेस्ट्रॉल कितना है 230 है, बॉडी मास इंडेक्स 34 है, ग्लूकोज 124 है, 32 है, लेट्स से सबमिट करो क्या लिख रहा है, तो दो उठा पार्ट, ठीक है, तो इसके लिए जो मैंने पहले जो हार्ट डिजीज का डाटा दिखाया था तो जो 4000 डाटा था उससे बनाया गया है, ठीक है, तो इस तरह का काम होगा, तो अगर आप डॉक्टर को बेचोगे तो वो डॉक्टर खरीदेगा इसको, या किसी पेशेंट को दोगे तो पेशेंट लोग जो जानना चाहते हैं हेल्थ कॉन्शियस होंगे वो जानना चाहते हैं कि हाँ मुझे होने वाला है कि नहीं, बोला होने वाला है जान लेते हैं थोड़ा, ठीक है, तो आज का केस स्टडी में आते हैं, ठीक है, तो ये जो आज का केस स्टडी जो है उसमें क्या है ना टिप्स प्रेडिक्शन, तो आते हैं तो पहले उस डाटा को लोड करते हैं देखते हैं, तो पहला काम क्या है हमारे पास डाटा सेट है, मैंने अभी दिखाया था ये डाटा है, ये आपका डाटा है, ठीक है, तो इसको हम लोड करते हैं, कैसे लोड करेंगे, तो पहला स्टेप लिखा हमने लोड द डाटा सेट, तो ये डाटा हमारे पास है, आपके पास नहीं मैं भेज दूंगा बाद, इंपोर्ट पांडास एज पीडीएफ, देखिए काम करने के लिए पांडास नाम का पैकेज तो मैं लोड कर रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ पीडीएफ इक्वल टू पीडीएफ डॉट रीड अंडरस्कोर सीएसवी, देखिए रीड सीएसवी नाम का एक मेथड है, इसका काम है वो क्या करेगा, मेरा कहाँ पर है ये ई ड्राइव में एमएल डाटा सेट, डाटा सेट के अंदर है, उसका नाम क्या है ना टिप tips.css, मैं इसको लोड कर रहा हूँ,
देखते हैं इसको, इससे करो, देखें आ गया कितना डाटा है, 244 रोज एंड 7 कॉलम्स। तो हमारे पास इतना डाटा है, ठीक है, इतना रो का डाटा है, कॉलम कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए इनपुट कौन है, आउटपुट क्या है, क्या आउटपुट है, इनपुट क्या है, बाकी सब इनपुट है, ठीक है। तो इस पर बात में जाएंगे, तो पहला चीज है एनालिसिस क्या करना। सपोज मैं चाहता हूं कि रैंडमली दिखाओ डिस्प्ले, रैंडमली 5 सैंपल रैंडमली दिखाओ, क्या लिखेंगे, डीएफ डॉट सैंपल 5। आ गया, सैंपल का स्पेलिंग मिस्टेक है, सैंपल रैंडमली दिखाएगा 5 सैंपल, मेरे पास कितना डाटा है, कितना है, 244 रोज और 7 कॉलम, कौन कौन सा कॉलम है, आ गया किसे कॉलम से, मेरे पास टोटल बिल, टिप, टैक्स, मोकर, डे, टाइप, साइज, ये सब डाटा है। ओके, नेक्स्ट देखो, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे जानना है कि ये जो सेक्स कॉलम है, हमारे पास मेल कितना है, फीमेल कितना है, कैसे जानेंगे, क्या क्या, हाउ मेनी मेल एंड फीमेल आर देयर, कौन सा कॉलम वो था, सेक्स, ये सेक्स कॉलम है, लिखा डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट, आ गया मेल कितना है, 157, फीमेल कितना है, 80, मतलब मेल 157 बार आए हैं, फीमेल 87 टाइम आए हैं। तो बोलो अच्छा एक काम करो, इसको ग्राफिकली दिखाओ, डिस्प्ले ग्राफिकली इन परसेंटेज, इन परसेंटेज कैसे दिखाएंगे, सॉरी कौन ज्वाइन कर रहा है, हाँ कैसे दिखाएंगे, लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाइप्लॉट एज पीएलटी, सब पैकेजेस इसको बारे में पढ़ाएंगे हम रेगुलर क्लास में, देन पीएलटी डॉट क्या लिखेंगे ना, पाई, एक पाई चार्ट होता परसेंटेज दिखाने के लिए, मुझे क्या दिखाना है, डीएफ ऑफ क्या था, कॉलम सेक्स था, सेक्स डॉट वैल्यू अंडरस्कोर, देखिए आ गया, लेकिन पता नहीं चल रहा है मेल कौन सा है, फीमेल कौन सा है, देखिए पहले कौन आया यहाँ पर, मेल फीमेल, तो उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ देखो, कॉमा लेबल, लेबल इक्वल टू क्या है, मेल कॉमा, ज्यादा कौन है, मेल, फीमेल कम है, ऑब्वियसली यहाँ पर मेल ज्यादा था, तो परसेंटेज क्या है, परसेंटेज देखने के लिए लिखा, तो आप बोलोगे सर मुझे इसे पता है इसलिए बोल रहा हूँ, तो आप जब सीख जाओगे आप भी कर पाओगे, ऑटोपिसिटी, ऑटो परसेंटेज रिकॉर्ड क्या है, परसेंटेज 0.2f, परसेंटेज परसेंटेज देखो आया है, तो मेल कितना है 64.34%, फीमेल कितना है 38.6%, तो अच्छा, तो ग्राफिकल देखने से अच्छा लगता है ना, तो आ गया, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्रेडिट कार्ड, हाँ नेक्स्ट, नेक्स्ट आप क्या जानना चाहते हो, सपोज मुझे जानना है कि कौन कौन सा दिन है, हमारे पास डाटा है कौन कौन सा दिन है, व्हाट आर द डिफरेंट डेज, व्हाट आर द डिफरेंट डेज अवेलेबल विथ अस, क्या देखेंगे, डे क्या आता है, डे क्या लिखेंगे डॉट, कौन कौन सा दिन हमारे पास है, देखो कौन कौन सा है, संडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, हमारे पास जो डाटा है सिर्फ इसी चार दिन का है,
तो उनमें से हम जानना चाहते हैं। अच्छा देखिए ये बताओ कि कौन सा दिन, मतलब कि कौन सा डे हमारे पास ज्यादा है, संडे का डाटा ज्यादा है, सैटरडे ज्यादा है, थर्सडे ज्यादा है या फ्राइडे। लेट अस सी क्या लिखेंगे। डे डॉट क्या लिखेंगे, वही फंक्शन लिखेंगे वैल्यू काउंट। सबसे ज्यादा कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, सैटरडे, उसके बाद संडे, उसके बाद थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे। तो हमारे पास ज्यादातर सैटरडे का डाटा है। सपोज मैं एक क्वेश्चन जाना रहा हूँ कि टाइम क्या क्या है, कौन कौन सा टाइम में लोग आते हैं, कौन कौन सा टाइम में आते हैं, देखते हैं। डीएफ ऑफ टाइम, ये टाइम है। सपोज मैं जाना तो कौन कौन सा टाइम में आते हैं और कितना बार आए हैं, वैल्यू अंडरस्कोर काउंट। देखो तो ज्यादातर लोग किस टाइम आते हैं, हमारे पास जो डाटा है ज्यादातर लोग डिनर के लिए आए हैं, लंच के लिए नहीं आए हैं। ठीक है, हमारा रेस्टोरेंट लंच देता है और जो डाटा है डिनर देता है। सपोज मैं जानना चाहता हूं कि जो टोटल बिल है वो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम टोटल बिल कितना हुआ था, और द मैक्सिमम वैल्यू टोटल बिल, मैक्सिमम वैल्यू टोटल अंडरस्कोर, ये बिल है सबका है डॉट मैक्स क्या आया है। मतलब हमारे पास डाटा है अभी तक जितना लोग भी रेस्टोरेंट में आए हैं सबसे ज्यादा कौन दिया है, कितना मिला है, 50.81 डॉलर। मिनिमम कितना है, कॉपी पेस्ट मिन, मिनिमम इतना डॉलर। ओके 19.78%। तो मेरा क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है, सपोज इस डाटा में मैं जानना चाहता हूं कौन से दिन में ज्यादा बिजनेस होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये सब क्वेश्चन से पूछा गया है तो सारा क्वेश्चन तो करना पॉसिबल नहीं है, टाइम लिमिटेड है, समझ रहे हो। ये सब क्वेश्चन है कि डिस्प्ले व्हाट आर द डेज प्रेजेंट, डिस्प्ले डे विद द फ्रीक्वेंसी। हाँ क्या क्वेश्चन है, आई थिंक बीन सर एवरेज निकला। नहीं ये एवरेज नहीं है, ये मैक्सिमम और मिनिमम है, एवरेज भी निकाल सकते हो सर, सॉरी मैंने मीन निकाल लिया, सॉरी क्या है, एम आई है। थैंक यू विरन जी, थैंक यू। हाँ वो एम ई एन जो होता है वो मीन होता है, एवरेज। अच्छा मैं क्वेश्चन हुआ कि कौन से दिन में सबसे ज्यादा बिजनेस होता है, क्वेश्चन क्या है, विच डे मोर कलेक्शन, कैसे जानेंगे, मुझे क्या चाहिए, वो लोकेशन चाहिए, क्या कौन सा लोकेशन चाहिए, डे चाहिए, और मैं काम कर रहा हूं उसको ग्रुप बेस कर रहा हूं, जी इक्वल टू मोर कलेक्शन, जी डॉट जी इक्वल टू डी एफ डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय फंक्शन होता है, इसके हिसाब से ग्रुप करेंगे डी एफ ऑफ क्या देख हिसाब है ना, तो देख हिसाब से हम ग्रुप करेंगे। देखो जी डॉट जैसे मैक्सिमम कितना है, देखो कौन सा दिन में कितना मैक्सिमम आ रहा है, कितना आ रहा है, फ्राइडे है तो सैटरडे है, मतलब फ्राइडे को इतना मैक्सिमम बिल आता है, सैटरडे को इतना आता है, हाईएस्ट हुआ है इतना, हमारा बिल्डिंग में ना हाईएस्ट बिल कितना पेमेंट हुआ है, $50, वो कौन से दिन में हुआ है, सैटरडे। ठीक है,
तो हमने डे के हिसाब से इसको ग्रुप किया है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं इसे लिखूंगा डॉट टॉम लिखूंगा, तो क्या है मैं इसको ड्रॉप करता रहा हूँ क्या ना, ड्रॉप इसमें किसको ड्रॉप कर रहा हूँ ना, मुझे सिर्फ क्या चाहिए टोटल बिल चाहिए ना, टीप टेक्स मोकर टाइम ये सब मुझे क्या चाहिए नहीं चाहिए, ये सब मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सब ड्रॉप कर सकता हूँ, ये जो कॉलम्स है मैं इसको क्या कर सकता हूँ ना ड्रॉप कर सकता हूँ, ड्रॉप कॉलम्स इक्वल टू उनका नाम दे दो, टीप देन टेक्स टेन कॉमा वोकर टेन कॉमा टाइम, इसको भी क्यों ड्रॉप कर रहा हूं मुझे नहीं चाहिए, देन साइज आ गया। तो कौन से दिन में किस दिन में कितना हाईएस्ट बिजनेस हुआ है, ठीक है अंडरस्टूड। तो हर तो आप देख रहे हो सबसे ज्यादा पेमेंट हुआ है, मतलब हाईएस्ट पेमेंट हुआ है कौन से दिन में हुआ था, लोएस्ट कौन से दिन में हुआ था, फ्राइडे में, ठीक है। ये बोलो अच्छा एक क्वेश्चन करो कि मतलब हाईएस्ट ग्रुप कितना है, मतलब जो लोग आते हैं सबसे जो ज्यादा नंबर आते हैं वो मतलब कितना कितना ग्रुप में आते हैं, तो क्या करेंगे एक कॉलम था क्या साइज है ना, साइज बहुत सारा वैल्यू है, हम देखेंगे क्या मैक्स कितना आते हैं, हमारे पास डाटा है जो मैक्सिमम लोग आए हैं वो छह जन में है। अभी मेरा क्वेश्चन है जो छह जन आए हैं कितना दिन आए हैं, जो जो बार आए हैं सबका डाटा दिखाऊंगा, display all the rows when the people come with six in a group, तो कैसे करेंगे, मुझे क्या चाहिए, मुझे वो लोकेशन चाहिए, कौन कौन सा लोकेशन चाहिए जब लोगों ने छह ग्रुप में आए थे, तो क्या लिख रहे हैं the df of size equal to कितना क्या लिखेंगे six आ गया। तो टोटल हमारे पास जितना डाटा है उसमें से एक दो तीन चार ऐसा चार बार हुआ था जब लोगों ने छह ग्रुप में आए, ठीक है। तो क्या करने के लिए आए थे, मैक्सिमम कौन से दिन में आए थे, बुकिंग किए थे, अलगडियो पॉइंट, तो सारा इंफॉर्मेशन आप एक्स्ट्रा कर सकते। सपोज मैं पूछूंगा आपको इस डाटा से अच्छा हाईएस्ट टिप कितना था, टिप कितना हाईएस्ट ये देखेंगे, व्हाट द हाईएस्ट टिप, टिप कितना टिप था डॉट क्या मैक्स कितना है, हाईएस्ट टिप 10 कौन दिया था, हाईएस्ट टिप कौन दिया था, मुझे जानना है जो हाईएस्ट टिप दिया था वो मेल था कि फीमेल था, समझ रहे हो, मुझे दिखाना है जो हाईएस्ट टिप दिया था वो मेल था कि फीमेल था, कैसे करेंगे देखो क्या लिख रहा हूं मैं df डॉट एलओसी, एलओसी मतलब लोकेशन, मुझे उस लोकेशन को दिखाओ कहां पर जहां पर क्या था टिप कितना था, ये था इसका मतलब क्या है 10 था, तो ये तो उसका डाटा है, एक सेकेंड इक्वल टू देखो वो कौन था, टोटल बिल कितना दिया था, बुकिंग किया था, कौन से दिन में आया था, क्या करने के लिए आया था, कितने ग्रुप में आए थे, तो ये आदमी ने हाईएस्ट दिया था क्या बिल दिया था, ठीक है। तो अगर मुझे दिखाना सिर्फ उन्हें नहीं, मुझे उसका दिखाना है जेंडर, क्या करेंगे
आया मतलब जिस लोग जिस आदमी ने हाईएस्ट टिप दिया था वो मेल था, बुकिंग किया था हाँ किया था, सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो इस तरह से हम बहुत सारा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट क्या कर सकते हैं इस डाटा सेट से। ओके देखिए ये क्वेश्चन है, व्हाट आर द हाईएस्ट बिल पेड बाय फीमेल। जो $50 था वो कौन था, वो तो मेल था, तो फीमेल जो आते हैं सबसे हाईएस्ट बिल कौन दिया था, कैसे करेंगे क्वेश्चन समझ पा रहे हो। व्हाट वाज द हाईएस्ट बिल पेड बाय फीमेल पर मेल। तो पहला चीज क्या है, मुझे उस लोकेशन चाहिए, क्या चाहिए पहला चीज है, उसका सेक्स क्या होना चाहिए। हाँ सेक्स इक्वल इक्वल टू फीमेल, सारा फीमेल का डाटा दिखाएगा। एक सेकंड तो गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, FPMALD 1 सेकंड। नहीं डाटा में क्या है देखते हैं, फेम ओ कैपिटल है नहीं, एफ कैपिटल है ना इसलिए नहीं आ रहा है। तो एफ क्या होगा, देखो ये सारा फीमेल का डाटा है नहीं, हमें क्या चाहिए हाईएस्ट बिल, तो बिल चाहिए ना हमें, तो कैसे करेंगे। हाईएस्ट बिल कितना है, तो सेक्स क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए, और बिल क्या है हाईएस्ट, तो कैसे करेंगे। एंड क्या लिखेंगे, बिल कितना है, तो हाईएस्ट बिल पेड बाय कितना फीमेल। पहला चीज है कि सेक्स फीमेल होना चाहिए, ये सब क्या है फीमेल लोगों का डाटा है, सबका फीमेल का डाटा है, ये क्या है टोटल बिल है। तो हम काम करते हैं, हम सारा कॉलम ना दिखाते क्या करते हैं, सिर्फ उसी का क्या दिखाएंगे, हाँ टोटल हम फीमेल का सारा डाटा ना दिखा के ओनली दिखाएंगे क्या टोटल अंडरस्कोर क्या आया। ये फीमेल लोगों का डाटा है, इसमें मैक्स कितना है देखते हैं, डॉट क्या मैक्स कितना है, मतलब जो फीमेल था जो फीमेल आए थे तो मैक्सिमम 44.3 डॉलर दिए, कैसे किया हमने, सेक्स फीमेल है और टोटल बिल ओनली एक कॉलम दिखाएगा उसका मैक्स वैल्यू, ठीक है। तो लेकिन मेल तो उस हिसाब से देखेंगे तो मेल ज्यादा, तो नॉर्मल अगर देखेंगे तो मेल ही ज्यादा पेमेंट कर मतलब दे रहे हैं। अच्छा मीन निकाल लेते हैं, मीन निकालेगा तो ज्यादा अच्छा होगा कि नॉर्मली मेल ज्यादा टिप देते हैं कि फीमेल ज्यादा रहते हैं, तो वो कैसे पता चलेगा मीन वैल्यू से। तो काम करते हैं क्या करते हैं, यहाँ पर डाल दो क्या क्या डालेंगे, किसका है किसका है फीमेल का, तो मेल का कैसे करेंगे, क्या लिखो मेल, हाँ नो, मीन मतलब एवरेज, हाँ मैं एवरेज निकाल रहा हूँ। एम का कैपिटल ठीक एक सेकेंड, हाँ मेल का एम क्या है, ठीक है तो कौन ज्यादा एवरेज दे रहा है, तो नॉर्मली जितना बार फीमेल आए हैं उनका एवरेज टिप कितना है, तो ये टोटल बिल दिया है, ये एवरेज टोटल बिल था। तो अगर मुझे दिखाना है कि 30 दिखाना है, मुझे 30 दिखाना है ना, तो टिप कितना है 2.8 डॉलर, इनका कितना है, तो ज्यादा टिप कौन देता है नॉर्मल, नॉर्मली मेल्स आर गिविंग मोर टिप देन फीमेल, अंडरस्टूड। तो इसे बहुत सारा इन्फॉर्मेशन पता चल रहा है हमें, ये तो हो गया ठीक है। इसे बहुत सारा क्वेश्चन है, जितना क्वेश्चन हम कर सकते हैं उसको आंसर एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अभी काम क्या है, देखिए अभी का काम जो है हम क्या करेंगे, क्या आप ये डाटा सेट देख रहे हो, कि हम देखेंगे कि इसमें कोई मिसिंग वैल्यू है क्या, क्या है मिसिंग वैल्यू, मतलब कुछ डाटा मिसिंग है क्या, फाइंड
मिसिंग वैल्यू, क्या लिखेंगे, df डॉट इज नल डॉट सम। तो क्या बताया, सब में क्या दिखा रहा है, इसका मतलब है कहीं पर भी मिसिंग वैल्यू नहीं। अगर मिसिंग वैल्यू होता तब उसको हैंडल कर, हो सकता है उस कॉलम का मीन वैल्यू से रिप्लेस करते या मीडियम से करते या इंटरपोलेट यूज करते, बहुत सारे टेक्निक है वो रेगुलर क्लास में बताया गया कि कौन से सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है। कोई डुप्लीकेट कॉलम है क्या, जैसे पांच लोगों का सेम डाटा है, हो सकता है तब वो उसको एक बार रखना है कि पांच बार रखना है, पांच बार क्यों रखेंगे, पांच लोगों का एग्जैक्टली सेम रो है तो क्या लिखेंगे, ड्रॉप द डुप्लीकेट्स, क्या लिखेंगे, df इक्वल टू df डॉट ड्रॉप अंडरस्कोर डुप्लीकेट्स, देखते हैं टोटल कितना था, पहले 244 था, अब कितना हो गया, मतलब एक डुप्लीकेट था वो हट गया, ठीक है, कि डुप्लीकेट रखेंगे तो अननेसेसरी है, दो रो, दो रो एग्जैक्टली क्या है सेम था, तो एक बार कंसीडर करो। अभी काम क्या है, देखो अभी एक चैलेंज है, देखो ये तो न्यूमेरिक है, ये न्यूमेरिक है, बाकी ये सब क्या है, स्ट्रिंग है, तो क्या करेंगे, तो इनको हमें स्ट्रिंग को न्यूमेरिक करना पड़ेगा, तो कैसे करेंगे, टेक्स्ट में क्या क्या है, मेल फीमेल, तो एक को जीरो ले लेंगे, दूसरा को वन ले लेंगे, कैसे लेंगे, बहुत सारे टेक्निक है, लेकिन मैं जो टेक्निक यूज करने वाला हूँ वो क्या करता है, अल्फाबेटिकल कर लेता है, तो अल्फाबेटिकल मेल बड़ा है कि फीमेल बड़ा है, मेल बड़ा है, फीमेल छोटा है, तो फीमेल को जीरो, मेल को क्या, वन, यस नो, नो यस, बड़ा कौन है, अल्फाबेटिकल ये बड़ा है छोटा है, तो इसको जीरो ले लूंगा, इसको वन ले लूंगा, देख क्या क्या है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, तो क्या बताओ, सबसे अल्फाबेटिकल छोटा कौन, ये है, ये हो जाएगा जीरो, इसके बाद कौन होगा, संडे सैटरडे में से कौन बड़ा होगा, सन एसएटी सैटरडे, तो सैटरडे होगा कितना, वन, देन संडे होगा टू, देन थर्सडे कितना होगा, थ्री, जो टी बाद में आता है, डिनर और लंच कैसे होगा, डी और एल छोटा कौन है, डी, ये हो जाएगा जीरो, एल क्या हो जाएगा, वन, तो मैं इस हिसाब से ये कॉन्सेप्ट है मैं चाहता हूँ उसको कन्वर्ट करने के लिए, तो क्या लिख रहा हूँ, क्योंकि मशीन लर्निंग का मॉडल को आप स्ट्रिंग नहीं दे सकते, न्यूमेरिक देना पड़ेगा, अगर स्ट्रिंग देते हो फिर इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ता है, लिखा कन्वर्ट द स्ट्रिंग वैल्यू टू न्यूमेरिक, कैसे करेंगे, तो लिख रहा हूं यहां पर, उसके नाम यूज करते हैं लेबल एनकोडिंग, लेबल एनकोडिंग फ्रॉम एसके लर्न डॉट प्रीप्रोसेसिंग, एसक्यूएल मशीन लर्निंग का पैकेज है, इंपोर्ट लेबल, ये करता क्या है, ना अल्फाबेटिकली एनकोड करता है, मुझे कितना चाहिए, मुझे यहाँ पर चार कॉलम के लिए चार बार चाहिए, तो मैं एक को ले रहा हूँ क्या, एक भैया एलडी वन, एलडी वन मतलब एक नाम है, क्या लिखा, लेबल एनकोडर एक क्लास है, ऑब्जेक्ट बनाओ, मैं इसको चार बार कॉपी कर रहा हूँ, तो मुझे चार कॉलम चाहिए ना, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, इसका नाम दिया मैंने क्या एली टू, इसका नाम एली थ्री, क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि हर एक कॉलम का सेम है क्या, कहीं पर जीरो वन है, कहीं पर जीरो वन टू थ्री है कि नहीं, तो इसी के लिए मैंने क्या दिया है, चार डिफरेंट डिफरेंट लिया है लेवल एनकोडर, फिर क्या करेंगे ना, अभी न्यूमेरिक करेंगे, कैसे करेंगे ना, एली वन पहला कॉलम कौन सा है, सेक्स, तो मैं सेक्स को कन्वर्ट कर रहा हूँ, कैसे, df of sex equals to, क्या लिखा, ना le1 dot fit underscore transform, ये वो मेथड है, क्या करेगा, df of क्या, ना sex, ये ट्रांसफर कर लेगा, मतलब तब क्या हो जाएगा,
जीरो वन, कौन जीरो होगा, फीमेल जीरो होगा, मेल वन होगा। उसी हिसाब से बाकी कॉलम करो, बाकी कॉलम क्या है, मकर, डे और टाइम। मैं लिख रहा हूँ इसी को, सिर्फ एक बार कॉपी कर दे रहा हूँ, ठीक है। पेस्ट पेस्ट पेस्ट, क्या है ये, मकर, मकर को अप्लाई करो, नाम क्या था, एली टू, देन यहाँ पर देखो मकर कलम को ट्रांसफर करके फिर रखना है वहां पर, देन देन क्या था, मकर के बाद डे, देन डे कलम में अप्लाई करो, डे, क्या है ये, डे भी हो गया, लास्ट क्या है, टाइम, हाँ ये हो गया एली थ्री, एली थ्री, देन ये है एली फोर, देन ये क्या है, टाइम, रन कर लो, टाइम क्या होगा, टाइम, एक सेकेंड क्या हो रहा है, कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है, मैंने एक सेकेंड सुना रहा, टाइम क्या लिखा है, नहीं ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, एक सेकेंड, देख लेते हैं क्या हुआ है, सेक्स, पोकर, डे, टाइम, एली वन, एली टू, हाँ एक वार्निंग आ रहा है, ए वैल्यू ड्राइव सेट कॉपी बाय टाइम, एक सेकेंड, वार्निंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार चेक करते कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ है, कन्वर्ट हो गया, ठीक है, तो वार्निंग को हम अवॉइड कर सकते हैं, तो मैं वार्निंग को कैसे अवॉइड करूंगा, मैं काम कर रहा हूं यहाँ पर, वार्निंग कभी नहीं आएगा, इंपोर्ट वार्निंग एक एरर नहीं है, वार्निंग वार्निंग डॉट फिल्टर वार्निंग एक दो, ओके हो गया, समझ रहे हो, तो अगर कभी कुछ गलत होगा तो एक काम करना, स्टार्टिंग से आके एक बार फिर से रन कर देना, समटाइम्स होता है कि कोई भी स्टेप अगर हम दो बार रन कर लेते हैं तो क्या होता है, वो एरर देता है, तो उस टाइम में आप क्या करना है, आपको स्टार्टिंग से आके एक बार फिर से रन करना है, देखो हो गया, सब निमरी हो गया, देखो तो सब निमरी के हाँ है, नहीं अब करना क्या है, सारा डाटा निमरी के, करना क्या है ना, आपको दो पार्ट में डिवाइड करना है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट क्या है, आउटपुट कौन है, बाकी सब क्या है, इनपुट, तो मैं कर रहा हूं क्या लिखा, सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट, कैसे करेंगे, मैं एक पे रख रहा हूं क्या, df डॉट ड्रॉप, मैं ड्रॉप कर रहा हूं किसको, कॉलम इक्वल टू, कौन सा कॉलम को ड्रॉप करेंगे, कौन सा, टीप को, अगर मैं एंटायर डाटा फ्रेम से टीप को ड्रॉप कर लूंगा तो वो क्या है, इनपुट है, देखो एक बार x क्या है, x पे टीप है क्या अभी, नहीं है, तो ये x इनपुट है, तो y क्या होगा, ओनली टीप, अरे y क्या है, देखो इधर तो, तो y में रहेगा सिर्फ टीप कलम, x पे क्या रहेगा, टीप को छोड़कर बाकी सब, तो x और y सेपरेट हो गया, अब करना क्या है, अब डाटा अभी अभी तक डाटा साइंस का काम खत्म, अब मशीन लर्निंग का काम स्टार्ट होगा, मतलब प्रेडिक्शन का काम, तो प्रेडिक्शन के लिए हमें एक मॉडल चाहिए, क्या चाहिए, मॉडल, तो बहुत सारा मॉडल है, ये जो प्रॉब्लम है ये एक रिग्रेशन का प्रॉब्लम है, क्लासिफिकेशन रिग्रेशन, कल बारिश होगा कि नहीं होगा, क्या है क्लासिफिकेशन, कल कितना बारिश होगा, रिग्रेशन, तो ये जो टॉपिक है आपको क्या प्रेडिक्ट करना है, टीप प्रेडिक्ट करना है, तो टीप कोई कैटेगरी है क्या,
और कितना टिप मिलेगा, सुनो तो क्या है एक रिग्रेशन प्रॉब्लम तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए हमें क्या यहाँ पर क्या कर रहे हैं इसका सॉल्व करने के लिए, देखिए हम डायरेक्टली ट्रेनिंग दे सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, देखो हम हमारे पास जो 243 रो है हम सारा डाटा से ट्रेनिंग नहीं देंगे। हमारे पास कितना डाटा है? 243 डाटा है। मेरे पास 100 क्वेश्चन है तो 100 आंसर है, मैंने आपको दे दिया सब 100 क्वेश्चन 100 आंसर, पता है कि देखो आप लोग सीख जाओ कल आके उसी 100 क्वेश्चन से मैं 20 क्वेश्चन पूछूंगा तो क्या होगा, सब आउट ऑफ 20। क्यों? क्वेश्चन मालूम था पहले तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे मैं आपको 80 क्वेश्चन दूंगा उसका आंसर दूंगा, 20 क्वेश्चन नहीं दूंगा, 20 क्वेश्चन जो मेरे पास रहेगा उसका आंसर ही मेरे पास रहेगा, तो आप 80 क्वेश्चन उसका आंसर से पढ़ लो, फिर उसको पढ़ के जो नॉलेज आपको मिलेगा कल आओ जो 20 क्वेश्चन मैंने नहीं दिया था उसको दूंगा टेस्टिंग के लिए, समझ रहे हो? तो आप क्या करोगे, टेस्ट दोगे, टेस्ट से क्या निकलेगा, टेस्ट फिर देखते हैं कितना हो नहीं तो हम वही काम करेंगे, क्या करेंगे ना इस डाटा जो 243 डाटा है हम सारा डाटा से ट्रेनिंग नहीं देंगे, क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्प्लिट डाटा फॉर ट्रेनिंग एंड क्या कैसे करेंगे उसके लिए पैकेज है, क्या है ना फ्रॉम sklearn डॉट from sklearn dot model selection import train हाँ क्या क्वेश्चन है somebody जा सके क्वेश्चन सर how can we learn coding what is entrance input देखिए कोडिंग तो आपको सीखना पड़ेगा ना, मैंने सीखा है इसलिए कर रहा हूँ ना, थोड़ी सीखने के बाद ही आप कर सकते हो, देखिए ये एक डेमो क्लास है ठीक है, तो डेमो क्लास में हम तो सारा कोडिंग सीख नहीं सकते, वैसे आपको दिखाना है ठीक है, ताकि हम क्यों दिखा रहे हैं, अरे हम दिखा रहे हैं कि आप देखो भाई देखो तो पढ़ोगे नहीं तो पढ़ोगे तो क्या होगा, समझ रहे अरे अगर हम अच्छा पढ़ाएंगे तब लोग पढ़ोगे ना, हम दिखा देखिए क्या क्या चीज है तब देखो हम बोलते कि हम जो सीखे हैं आपको सिखाएंगे, तो डेमो में हम चाहते हैं कि देखो किस तरह से होता है, आप ये मत सोचो कि हाँ अभी आप कर लोगे क्योंकि आप उस स्टेज में नहीं हो, तो आपको इसलिए बहुत सारी चीज सीखना पड़ेगा ठीक है ओके बिरन जी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो बहुत सारे टॉपिक्स, तो ये फंक्शन है, ये एक फंक्शन है ट्रेन टेस्ट, आई मीन टू से इट इज ए पार्ट ऑफ कोर्स, यस ऑब्वियसली हाउ टू कोडिंग, क्योंकि ये काम करने के लिए आपको तो पाइथन सीखना पड़ेगा, पहले यू मस्ट नो पाइथन, इसे कोडिंग किया जाता है पाइथन में किया जाता है ठीक है वीरन जी, तो आपको पहले पाइथन सीखना पड़ेगा ओके ओके तो आप सिर्फ समझो कि हाँ ओवरऑल आइडिया देखो कैसे होता है ठीक है, कोडिंग को भूल जाओ, तो अभी हमारा काम क्या है हम स्प्लिटिंग करेंगे, स्प्लिटिंग करके क्या चल रही है मुझे लिखा एक्सप्रेन कॉमा एक्स टेस्ट, बता रहा हूं क्या है वाई ट्रेन कॉमा टेस्ट, राकेश आर यू गेटिंग इट नॉट ओके वाई टेस्ट इक्वल टू टेस्ट स्प्लिट, हम दे रहे हैं क्या एक्स कॉमा वाई कॉमा
टेस्ट अंडरस्कोर साइज हम चाहते हैं कि 0.2, मतलब हम चाहते हैं ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए तो डाटा डिवाइड होगा, एक्स ट्रेन मतलब ट्रेनिंग के लिए, टेस्ट मतलब टेस्टिंग के लिए इनपुट, वाई का मतलब होता है आउटपुट। ये 80% टेस्ट साइज कितना है, 0.2 है, तो एक्स ट्रेन क्या है ना 80% डाटा का इनपुट, एक्स टेस्ट क्या है 20% डाटा का इनपुट, वाई ट्रेन क्या है 80% डाटा का आउटपुट, मतलब एक्स ट्रेन का आउटपुट वाई है। कैसे मैं लिखा एक्स ट्रेन, अब देखो क्या है एक्स ट्रेन, एक्स ट्रेन क्या है इनपुट है, कितना डाटा का इनपुट, कितना 194, क्यों 80% है, मैं लिख रहा हूँ सेव आ गया। तो हम ये 80% डाटा से सिखाएंगे, इसका आउटपुट क्या है, इसका आउटपुट वाई ट्रेन, उसकी 194 का आउटपुट है, इसे मालूम है ना। तो डॉट सेव कितना है, हाँ ऑब्वियसली ये 194 ये इनपुट है या आउटपुट है, तो उसी हिसाब से बाकी बचा कितना एक्स टेस्ट डॉट क्या सेव, ये कितना है, मतलब हम 80% से सिखाएंगे, ये 80% क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, सीखने के बाद फिर 20% का पूछेंगे कि इसका आंसर बताओ, यही काम हम करने वाले हैं। तो 194 डाटा से सिखाएंगे, सिखाने के बाद 49 डाटा को पूछेंगे बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो ये अभी हमारा काम क्या है, क्रिएट ए मशीन लर्निंग मॉडल, ML मॉडल, बहुत सारा मॉडल है, तो मैं एक मॉडल सबसे अच्छा आसान मॉडल ले रहा हूँ, के नियरेस्ट नेबर, क्या लिख रहा हूँ फ्रॉम sklearn डॉट नेबर्स इम्पोर्ट नेबर्स क्लासिफायर, सॉरी के नेबर्स रिग्रेशन, क्यों ये क्या है रिग्रेशन प्रॉब्लम, ठीक है कौन सा प्रॉब्लम है रिग्रेशन, यहाँ पर हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि टिप्स कितना होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाओ, ये क्लास था तो ऑब्जेक्ट आपने बनाया, ये के नेबर्स क्लासिफायर एक क्लास, तो ये कैसे काम करता है, नॉर्मली मैं पूछूंगा कि अच्छा ये एक स्टूडेंट है, ठीक है इसका ब्रांच क्या होगा बताओ, जैसे इसके साइड में बहुत सारा स्टूडेंट है, मैं नियरेस्ट 5 को लूंगा, नियरेस्ट 5 दिया, 5 में से 3 कंप्यूटर साइंस का और 2 क्या है जैसे इलेक्ट्रिकल का है, तो के ने बताया क्या है कंप्यूटर साइंस, क्यों मैक्सिमम नेबर क्या है कंप्यूटर साइंस का, तो ये उस हिसाब से काम करता है। तो मैं यहाँ पर लेट से लिया एन अंडरस्कोर नेबर्स इक्वल टू क्या लिया, ऐसे मैंने क्लास बना दिया, अब क्या करना है सिखाना है, क्या करना है ट्रेन, तो इसका जो मैथमेटिकल है वो हम रेगुलर क्लास में बताएंगे, ट्रेन द मॉडल कैसे लिखेंगे ना के डॉट फिट, क्या करेंगे ना एक्स ट्रेन जो कि कितना था 194 डाटा था कम वाई अंडरस्कोर सिखा दिया हमने, के इज नॉट डिफाइंड क्योंकि वहां पर आपने क्या लिया है कैपिटल लिया था, तो मॉडल सीख गया वहां, तो हमने सीख गया भाई सीख गया, अब टेस्ट करोगे, टेस्ट मॉडल कैसे करेंगे, मॉडल आप तो सीख गए हो बताओ कि क्या बोलो क्या बताओ तो बताओ ना बताओ कि जो बाकी जो 49 डाटा है हमारे पास इसका आंसर क्या होगा बताओ, क्या लिखेंगे मॉडल का नाम क्या है के डॉट प्रेडिक्ट, क्या बताएगा मॉडल के डॉट प्रेडिक्ट, क्या लिखेंगे एक्स टेस्ट, तो देखते हैं वाई प्रेडिक्ट क्या है, डिस्प्ले करते हैं, देखो ये सब टिप है नहीं, ये प्रेडिक्टेड टिप है, एक्चुअल टिप कितना था, ये जो एक्स टेस्ट था ये एक्स टेस्ट जो 20% था 49 फ्लावर था 49 जो टिप था मतलब डाटा था उसका आउटपुट क्या था, ये यू नो इस 49 लोगों का जो डाटा था उसका आंसर क्या था, ये एक्चुअल आंसर था, और ये क्या हुआ है प्रेडिक्टेड आया है, तो मैच करते हैं, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर वाई अंडरस्कोर टेस्ट जो कि एक्चुअल आंसर है डॉट
एक्चुअली $2 टिप दिया गया था, लेकिन ये पता कितना रहा है, एक्चुअली इतना डॉलर टिप दिया गया था, इतना बता रहा है, थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिफरेंस है कि नहीं है, इसे बोलते हैं एरर। ठीक है, एक्चुअली जो ये जो डाटा था $2 दिया गया था, लेकिन मॉडल बता रहा है कि इतना दिया गया, तो ये जो डिफरेंस है ये एरर है। ठीक है, रिग्रेशन में काम होता है कि एरर कितना मिनिमम होगा और 5 मिनट खत्म हो जाएगा। ठीक है, देखो तो क्लासिफिकेशन में क्या होता है, हम एक्यूरेसी निकालते हैं, यहाँ पर एरर निकालते हैं, एरर जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो किस तरह का एरर निकालेंगे, देखो फाइंड मीन स्क्वेयर्ड एरर, मतलब सारा एरर का क्या स्क्वायर लेंगे, सम करेंगे, मीन निकालेंगे, स्क्वायर क्यों ले रहे, ताकि नेगेटिव ना, छोटा माइनस बड़ा हो गया तो नेगेटिव हो जाएगा ना, स्क्वायर करने से पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे लिखते हैं, फ्रॉम एसके लर्न डॉट मैट्रिक्स इंपोर्ट, क्या लिखेंगे, मीन स्क्वायर्ड एरर। तो मीन स्क्वायर्ड एरर एक फंक्शन है, उसको हमने इंपोर्ट किया, देखते हैं एमएसी कितना है, ना मीन स्क्वायर्ड एरर ब्रैकेट में क्या देंगे, ना एक्चुअल आंसर क्या था, ना सर वाई टेस्ट ये वाला, और प्रेडिक्टेड क्या हुआ है, तो प्रेडिक्टेड कॉमा वाई क्या प्रेड, तो देखते हैं एमएसी कितना है, कितना है 1.1 अर्गेटिक, तो 1.13 है मीन स्क्वायर्ड एरर, मतलब ये सारा डिस्टेंस 2 - 2.64 1.6 इतना, इतना सबका स्क्वायर का टोटल का मीन कितना है। ठीक है, तो इसमें और एक एरर निकालते हैं, बोलते हैं आर स्क्वायर एरर और आर टू स्कोर, आर टू स्कोर जितना 1 के करीब होगा आपका मॉडल का काम आप सोचो कि उतना अच्छा। ठीक है, जो मैथमेटिकल है आर टू स्कोर का हम रेगुलर क्लास में बताएंगे, क्या बोलते हैं इसको, ना आर टू स्कोर, तो क्या बोला, जितना 1 के करीब होगा उतना अच्छा है, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या, आर टू अंडर स्कोर को क्या लिखा आपने, आर एस सी, और प्रिंट करो आर एस सी को कितना है, तो इसका मतलब है इसका आर टू स्कोर क्या है, अच्छा नहीं है। ठीक है, एरर ज्यादा है, तो ये अच्छे से काम नहीं कर रहा है इतना, तो इसके जगह पर आप कोई और मॉडल यूज कर सकते हो, तो ये एक मॉडल था, तो आप बोलोगे ठीक है, तो आप बोलो सर अच्छा ही काम कीजिए इसी के हिसाब से, इसी के हिसाब से, और भी बहुत सारे एल्गोरिथम है, तो हमने देखा कि नहीं इसका आपको तो इतना अच्छा नहीं आ रहा है, तो मतलब ये अच्छा नहीं है इतना, तो इससे पे बेहतर मॉडल बनाना पड़ेगा, तो इसी अगर इसी के हिसाब से प्रेडिक्ट करेंगे, लिखा क्या, ना प्रेडिक्ट फॉर ए न्यू डाटा, एक नया कुछ लोग आए हैं हमारा मॉडल बताएगा कि वो कितना टिप देंगे, प्रेडिक्ट करेगा कैसे, मॉडल का नाम क्या है, के डॉट प्रेडिक्ट करो, क्या प्रेडिक्ट करना है, सर्वे कर दो, पहला कॉलम कौन सा है, देखो यहाँ पर देख के बताते हैं, तो लिखा यहाँ पर df डॉट एड, पहला कॉलम कौन सा है, टोटल बिल, तो टोटल बिल लेट से मेरा है $20 दिया है, सेकेंड कॉलम क्या है, टिप तो नहीं देंगे, टिप देंगे क्या, टिप नहीं देना है, टिप आउटपुट है। ठीक है, क्योंकि आपने जो एक्स, आपका एक्स क्या था, इनपुट था ना, एक्स डॉट एड, टोटल बिल दिया इतना, टैक्स क्या है, टैक्स जीरो है, जीरो मतलब क्या है, फीमेल, मुकर, मुकर 1 है, तो मान डे कौन सा है, जैसे डे 2 है, टाइम क्या है ना, टाइम 1 है, तो साइज कितना है, साइज 3 है, तो मॉडल बताओ क्या बता रहा है, अगर ये स्टेटस है, जो लोग आए थे $20 दिया था, वो फीमेल था, ठीक है, स्मोकिंग किया था, ये सब है, तो वो $3.6 टिप दे,
हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस मॉडल से आपने देखा, लेकिन आप इस मॉडल से सेटिस्फाइड नहीं हो तो दूसरा मॉडल भी आप यूज कर सकते हैं, और भी मॉडल से। तो मैं और एक मॉडल को आपको दिखा रहा हूँ, देन विल एंड द सेशन। मैं और एक मॉडल यूज कर रहा हूँ, क्या ऐसे लिखा यूज रैंडम फॉरेस्ट, और मैं और एक मॉडल यूज कर रहा हूँ, ठीक है, रैंडम फॉरेस्ट यूज कर रहा हूँ, रैंडम फॉरेस्ट मॉडल। क्या लिखेंगे, फ्रॉम एसके लर्न डॉट एन जी एन एस सी एन बी एन एस एंड एन एस एस, ठीक है, इम्पोर्ट इम्पोर्ट रैंडम। ये एक और एक तरीका है सिखाने के लिए, रैंडम फॉरेस्ट आर ई जी आर एस एस ओ आर इंग्लिश सर एनएसएमएल, एनएसएमएल का स्पेलिंग क्या है, ई एन एस सी एन एस सी एम बी एल ई, हाँ ये ठीक है। तो स्पेलिंग कर मिस्टेक हो गया था, तो हम ये देखिए, ये जैसे पहला स्टूडेंट एग्जाम दिया था वो इस तरह था, अब एक ये नया स्टूडेंट है, इसका तरीका डिफरेंट है। तो हम इसको लिखते हैं आर इक्वल टू, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन गया, फ्रेंड को सिखाओ आर डॉट फिट। मैथमेटिक्स है, क्या लिखेंगे, एक्स जैसे वहां पर किया था वैसा यहाँ पर वाई, तो मॉडल सीख गया। इसके बाद क्या करो, टेस्टिंग करो, देखो मैंने वाई अंडरस्कोर फ्रेंड अंडरस्कोर दिया गया आर एस, आर एस मतलब रैंडम फॉरेस्ट, लेट्स से आर डॉट प्रेडिक्ट करो, किसको प्रेडिक्ट करना है, वाई टेस्ट को, प्रेडिक्ट हुआ, क्या लिखा है, एरर आ रहा है, एक सेकेंड, आर डॉट सॉरी वाई टेस्ट कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स टेस्ट ना, तो प्रेडिक्ट कर लिया, देखो यहाँ पर प्रेडिक्ट आंसर क्या है, वाई प्रेड, ये प्रेडिक्टेड, और ये एक्चुअल क्या था, y test dot values, ये एक्चुअल था, समझ रहे हो, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, एरर। तो इसका अभी निकालेंगे क्या, आप निकालोगे क्या, मीन स्क्वायर्ड एरर, आर स्क्वायर्ड एरर, तो मीन स्क्वायर्ड एरर निकालो, देखते हैं इसमें कितना एरर आता है, MSC अंडरस्कोर क्या दिया मैंने, आर एस वाई टेस्ट वाई ब्रेड अंडरस्कोर क्या आर एस, MSC अंडरस्कोर क्या आर एस, कितना आया है, कम है कि नहीं है, एरर कम होगा तो क्या अच्छा है, तो ये ज्यादा अच्छा है। और आक्टू स्कोर जो निकला था, अब आक्टू स्कोर निकालो, मैंने बोला था कि ये जितना वन के करीब होगा उतना अच्छा है, यहाँ पर कम आया था इसलिए हमें ये अच्छा नहीं लगा, इसलिए हमने और एक मॉडल यूज किया, आर टू स्कोर में दो वाई ब्रेड अंडर स्कोर क्या आर एस, उसका नाम क्या दो आर एस अंडर स्कोर आर एस, थोड़ा बेहतर आया कि नहीं, प्रीवियस से ज्यादा बेहतर है कि नहीं, कि बात करिए मतलब अच्छा चलेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, जो प्रेडिक्शन आपने यहाँ पर किया है देखते हैं उसी को हम इसके हिसाब से प्रेडिक्ट करते हैं। वो कितना बताया था 3.60, देखते हैं ये क्या बता रहा है, इस मॉडल का नाम क्या है आर है, कितना बताया 3.80। तो किसको अगर हम ट्रस्ट करेंगे इसके ऊपर, क्यों, एरर भी कम है और ये वन के ज्यादा करीब है, अंडरस्टूड, तो और इस मॉडल हम यूज कर सकते हैं। तो ये सैंपल था, केस स्टडी था, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसको आप क्या कर सकते हो, देखो बता रहा हूं, काम करके हमने ये सब किया है पहले से, ठीक है। तो उसी हिसाब से हमने एक
क्या किया है ना, सीए बनाया। देखिए ये जो मतलब एक्यूरेसी आ रहा है ये चेंज भी हो सकता है, ठीक है। चेंज क्यों हो सकता है कि आपने लेफ्ट, आपके तीन मॉड्यूल है, आपने दो मॉड्यूल पढ़ के गया है, लास्ट मॉड्यूल पढ़ा नहीं, क्वेश्चन सब लास्ट मॉड्यूल से आ गया। तो जब हम जो डाटा को डिवाइड करते थे 70-80% 90% वो रैंडमली होता। अगर मैं इसी जो आपने अभी रन किया था अगर उसी को मैं एक बार फिर से रन करूंगा हो सकता है ये चेंज हो जाए, ठीक है, फिर से ये सब सब का चेंज हो जाए। तो इसीलिए तो उसको कैसे फिक्स करते हैं ये भी होता है टेक्निक से, रैंडम सेट मेंशन करना पड़ता है, ठीक है। तो हमें एक ऐसा चाहिए कि कौन सा सिचुएशन सबसे वो अच्छा आउटपुट देगा, तो उसी हिसाब से हमने एक जीए बनाया है, देख रहे हो, इसको इम्प्लीमेंट करने के यहाँ पर बहुत सारा एल्गोरिथम लिया गया है। नहीं ये क्या है उसका मीन स्क्वायर एरर आउटपुट स्कोर, देखो यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अच्छा आया है, नहीं देख रहे हो आउटपुट स्कोर ज्यादा अच्छा आया है, हम उसका एडजस्टमेंट किए। ये लॉजिस्टिक रिजल्ट में इतना है, डिसीजन ट्री में इतना है, रैंडम फॉरेस्ट में देखो कितना है 60, तो ये एसवीएम में कितना है कंपेयर करो कौन अच्छा सबसे आया है रैंडम। तो इसी हिसाब से प्रेडिक्शन होगा रैंडम फॉरेस्ट के हिसाब से होगा। जो अब $20 टेक्स क्या है ना, फीमेल है, वोकर है, हाँ है, समझ रहे हो, इस तरह है, ए कौन सा आया था ना, टू आया था, टाइम कौन सा आया था ना, लेट से लॉन्च में आया था, लॉन्च मतलब वन, साइज कितना था 3 था, सबमिट करो, टीपी कॉल कितना $2.77। तो इसको आप एनहांस कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो ये एक केस स्टडी था, मैंने आपको दिखाया, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल आइडिया था कि तो हमारा जो सिलेबस आप देख सकते हो वेबसाइट जाकर, तो हमारा अगर आप देखना चाहोगे सिलेबस, सिलेबस इज ऑल्सो अवेलेबल। तो हमारे सिलेबस में ये हमारा ऑफिशियल साइट है python.org, तो यहाँ पर डाटा सबका सब सिलेबस है, यहाँ पर आपका डाटा साइंस का सिलेबस है, ठीक है। तो देखो तो ये सिलेबस है, नाम बेसिक से स्टार्ट करेंगे पांडा, लेकिन देखिए लेकिन ये जो सिलेबस है पाइथन पढ़ने के बाद, ये पाइथन के साथ नहीं, पहले आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा फिर जाके इसको पढ़ना पड़ेगा। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एल्गोरिथम जो किया था आपने, डिस्क्रिमिनेंट ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, अब किया था सपोर्ट वेक्टर मेथड, लेकिन उसका मैथमेटिकल आप जानते नहीं हो, अनसुपरवाइज्ड, फीचर इंजीनियरिंग, डायमेंशन रिडक्शन, मॉडल सिलेक्शन, टाइम सीरीज प्रेडिक्शन, न्यूरल नेटवर्क, नेचुरल प्रोसेसिंग, देन प्रोजेक्ट, इसमें बहुत सारा केस स्टडीज है पर्टिकुलर कोर्स, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा इस पर, एंड तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो हमने एक ओवरऑल आइडिया आपके माइंड में दे दिया है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू ऑल।